हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं भटूरे और पूड़ी के साथ खाने वाले छोले। छोले को हम बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे। और छोले को हम कैसे दो तरीके से काला करेंगे, तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं छोले बनाना। तो मैंने यहाँ पर छोले लिए हैं, 1 कप छोले हैं ये, आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक छोले हैं ये। छोले बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, छोले को 4 से 5 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे, ताकि जो छोले हैं वो जल्दी बन जाए और अच्छे बने। तो मैंने यहाँ पर छोले को पहले ही भिगो लिया है, आप देख सकते हैं 4-5 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिए थे मैंने छोले, और अच्छे से छोले भीग गए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे वाले छोले हैं ये, देसी छोले हैं, उड़द की दाल जो होती है उस साइज के छोले हैं ये। तो अब हम चाय पत्ती का पानी बनाएंगे छोले को काला करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 2 कप पानी लिया है। पानी हम उतना ही लेंगे जितना हम छोले में डालेंगे और छोले अच्छे से बॉईल हो जाएं। 2 चम्मच चाय पत्ती डाल देंगे और 10-15 मिनट के लिए चाय पत्ती को भीगने के लिए रख देंगे साइड में। और 10-15 मिनट के बाद हम गैस को ऑन करेंगे और चाय पत्ती को 5-6 मिनट के लिए मीडियम गैस पर पका लेंगे। तो मैंने यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया है, अब हम 5-6 मिनट के लिए पका लेंगे चाय पत्ती को, ताकि कलर जो चाय पत्ती का है अच्छा आ जाए पानी में। तो आप देख सकते हैं चाय पत्ती का कलर बहुत ही बढ़िया आया है। चाय पत्ती पक रही है, इतने हम छोले को कुकर में डाल लेंगे। 1 तेज़पत्ता डाल देंगे, 1 मोटी इलायची डाल देंगे काली वाली, थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे, 5-6 काली मिर्च डाल देंगे। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा नमक बाद में भी डालेंगे, अभी हमने बॉईल करने के लिए छोले नमक डाला है। अब चाय पत्ती का पानी पक गया है, आप देख सकते हैं अच्छा कलर आया है पानी में। अब हम चाय पत्ती का पानी छोले में छान देंगे। चाय पत्ती का पानी हमने छान दिया है, अब हम सोडा डाल देंगे 1/4 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर देंगे छोले में सोडा हम। अब पानी थोड़ा सा कम है, तो हम यहाँ पर 1 कप पानी और डाल देंगे, ताकि अच्छे से छोले बॉयल हो जाएं और थोड़ी सी ग्रेवी छोले में रहे। हम यहाँ पर लहसुन की 4-5 कली डाल देंगे। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 6-7 सीटी लगा देंगे। 6-7 सीटी में बहुत ही अच्छे तरीके से छोले बॉयल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे वाले छोले हैं ये। गैस को हम मीडियम रखेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आपको छोले बनाने हों काले छोले, आप लोहे की कढ़ाई में छोले बनाना, बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीटियाँ आ गई हैं कुकर में। अब थोड़ी देर कुकर को हम ठंडा होने देते हैं, इतने हम मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है, 2 प्याज लिए कटी हुई और 6-7 लहसुन की कली ली है, 1 इंच अदरक लिया है, 2 हरी मिर्च ली हैं, 1 टमाटर ले लेंगे, 2 चम्मच साबुत धनिया ले लेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। छोले को खट्टा करने के लिए 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। और मैंने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च ली है 1/2 चम्मच। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, क्योंकि हमने छोले में भी नमक डाला है बॉईल करते टाइम। अब हम थोड़ा सा पानी डालकर
बारीक पेस्ट बनाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर मसाला अच्छे से मिक्सी से पीस लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम कुकर को खोल के देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर छोले बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉईल हो गए हैं, छोले बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए अच्छे से बॉईल हो गए हैं छोले और बहुत बढ़िया कलर आया है, आप देख सकते हैं। अब हम जो मसाले हैं साबुत मसाले वो हम निकालेंगे नहीं, पानी हमने बिल्कुल साफ डाला है छोले में तो ये पानी हम नहीं निकालेंगे। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को गर्म करेंगे। यहाँ पर 3 छोटे चम्मचे सरसों का तेल लिया है, आप देख सकते हैं, आप कोई भी तेल ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और हम जीरा डाल देंगे 1 चम्मच, हींग डाल देंगे 1/4 चम्मच। हींग और जीरे को हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम यहाँ पर 2 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी को थोड़ा सा भूनेंगे थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए। अब हम 1 हरी मिर्च डालेंगे और पिसा हुआ हमारा जो पेस्ट है मसाला वो हम सारा डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे मसाले वाला। अब हम 5-6 मिनट के लिए मसाले को भूनेंगे अच्छे से, ताकि जो तेल है अच्छे से आ जाए ऊपर मसाले के और मसाला बढ़िया तरीके से पक जाए। आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से पक गया है, मसाले में से खुशबू आ रही है पकने की। अब हम सारे छोले डाल देंगे मसाले में, अच्छे से छोले मिक्स कर देंगे और 10-15 मिनट के लिए मीडियम गैस पर छोले को हम पकाएंगे। चाय पत्ती से फ्रेंड्स जो कलर आया है वो अब इतना ही रहेगा। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। कभी भी आप काले छोले बनाएं तो हमेशा कढ़ाई आप लोहे की लेना, लोहे की कढ़ाई में ही काले छोले बनाना। बनते बनते छोले बहुत काले हो जाएंगे, आपको बाद में और कुछ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर हरा धनिया डाल के अच्छे से छोले में मिक्स कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया छोले बनकर तैयार हुए हैं। छोले को आप भटूरे पूड़ी के साथ खा सकते हैं। अब हम छोले पक जाएंगे ना फ्रेंड्स, तब हम कम से कम 6-7 मिनट के लिए कढ़ाई में छोले को रेस्ट करने के लिए रखे रहने देंगे, उसके बाद हम सर्व करेंगे। फिर आप देखना छोले में कितना बढ़िया कलर आएगा, बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। लोहे की कढ़ाई में आप बनाना छोले, तो आप देख सकते हैं मैंने 6-7 मिनट छोले को कढ़ाई में रखा रहने दिया है, उसके बाद आप देखिए कितने काले छोले हो गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया छोले बने हैं। आप कभी भी छोले बनाएं, लोहे की कढ़ाई में छोले बनाएं, बिना चाय पत्ती के भी छोले काले हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।